एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर एमआईसी से हटाए गए पार्षद अजीत कुकरेजा। तो बड़ी खबर, रायपुर से एमआईसी से हटाए गए हैं पार्षद अजीत कुकरेजा। कल निगम का बजट पेश होना है, बजट पेश होने के एक दिन पहले हटाए गए हैं। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था, विधायक का चुनाव, और रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी किया। एमआईसी की बैठक में नहीं हो रहे थे शामिल। तो बजट पेश होने के एक दिन पहले कांग्रेस से बागी होकर विधायक का चुनाव लड़ चुके अजीत कुकरेजा को रायपुर नगर निगम ने आदेश जारी किया। एमआईसी की बैठक में शामिल भी नहीं हो रहे थे, तो एमआईसी से उन्हें हटाया गया, पार्षद अजीत कुकरेजा को। तो कार्रवाई उन पर हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे जुड़ चुकी है। मोनिका, इस पूरे मामले में क्या जानकारी आ रही है? ठीक बजट पेश होने से एक दिन पहले कार्रवाई हुई है, क्या उनका पक्ष जाना गया? किस तरह से ये तय हुआ कि उनको हटाना है? मोनिका, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छी गई है। और इससे पहले रायपुर नगर निगम ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि जो एमआईसी सदस्य रहे हैं पार्षद अजीत कुकरेजा, उन्हें उनकी जो सदस्यता है वह खत्म की जाती है। इससे पहले कांग्रेस में उनकी सदस्यता खत्म हुई थी। बात पूरी ये थी कि जो अजीत कुकरेजा है पार्षद, उन्होंने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था, और बागी होकर चुनाव लड़ने के कारण पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया था। उसके बाद यह स्थिति बनी हुई थी, और ये नजर सबकी बनी हुई थी कि जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी सदस्यता से हटा दिया है, तो एमआईसी के मेंबर वह कब तक बने रहेंगे या कब तक रायपुर नगर निगम में वो एमआईसी के सदस्य रहेंगे। लेकिन बजट के ठीक एक दिन पहले रायपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद अजीत कुकरेजा को बागी होने के कारण रायपुर नगर निगम के मेयर इन काउंसिल की सदस्यता से भी मुक्त कर दिया है। इससे पहले अजीत कुकरेजा लंबे समय से ना तो एमआईसी की बैठक में आ रहे थे, ना ही किसी भी चीजों में वो हिस्सा ले रहे थे, जिसके बाद यह कवायद लगाई जा रही थी कि जल्द ही उन्हें हटाया जाएगा। महापौर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर कोई लेटर जारी होता है तो भी हम तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे, और आज बजट के एक दिन पहले पार्षद अजीत कुकरेजा को सदस्यता से हटा दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए।